नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है। जीएक्सटी ग्रीन ग्लोबल सस्टेनेबल मटेरियल बनाने वाली कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर्स अमेरिका में स्थित है। इस कंपनी ने इकोग्रेड नामक अद्वितीय बैग्स बनाने की शुरुआत की है। ये बैग्स नए पदार्थ से बने हैं, जिसका नाम है कैल्शियम ऑर्फेनिक ग्लूकोसेट, संक्षेप में जिसे COG भी कहा जा सकता है। प्लास्टिक से बने हुए अनेक वस्तुओं में प्लास्टिक की जगह COG का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब COG बैग्स गुम जाते हैं या कचरे में चले जाते हैं, तो 240 दिनों में सूर्य की रोशनी से फोटो डिग्रेड हो जाते हैं और हमारे वातावरण में बिना कचरा या बिना विषैले पदार्थ छोड़े बायोडिग्रेड हो जाते हैं। COG से बनाए हुए उत्पादन प्लास्टिक, नॉन वोवन या कागज की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस फैलाता है। GXT ग्रीन उत्पादनों को बनाने के लिए नई फैक्ट्रीज का लगाना जरूरी नहीं है। ये उत्पादन मौजूदा फैक्ट्रीज में भी बनाए जा सकते हैं, जिससे बचत भी होगी और नए रोजगार भी पैदा होंगे। बाजार में इकोग्रेड बैग्स और प्लास्टिक बैग्स में बहुत आसानी से अंतर किया जा सकता है। इस वीडियो में देखिए ये कितना आसान है। फील्ड में परीक्षण करके अंतर बताने के दो तरीके हैं। पहला, सभी इकोग्रेड बैग्स के ऊपर सर्टिफाइड इकोग्रेड सील लगी हुई होती है, जो कुछ इस प्रकार दिखती है। दूसरा, जब आप इकोग्रेड बैग्स जलाते हैं तो या तो वो कोई धुआं नहीं छोड़ते या हल्का सा सफेद धुआं छोड़ते हैं, और जल जाने के बाद एक नॉन टॉक्सिक सफेद राख छोड़ जाते हैं, जबकि प्लास्टिक बैग्स जलने पर गहरा काला धुआं और तीखी गंध छोड़ते हैं। जलते हुए प्लास्टिक बैग से काला पिघलता हुआ पदार्थ भी टपकता है। GXT ग्रीन फील्ड टेस्ट किट में परीक्षण के लिए लगने वाली सारी वस्तुएं मौजूद हैं, पर जरूरत पड़ने पर आप ये किट खुद भी बना सकते हैं। इस परीक्षण के लिए आपको 4 वस्तुओं की आवश्यकता होगी। पहला, परीक्षण के नीचे रखने के लिए कोई ट्रे, जैसे एश्ट्रे या कोई फॉइल का टुकड़ा। दूसरा, एक माचिस की डिबिया। तीसरा, नमूने को पकड़ने के लिए एक हेमोस्टैट, पेपर क्लिप या एलिगेटर क्लिप। चौथा, बैग से एक नमूना काटने के लिए एक कैंची या कटर। जिस बैग का परीक्षण करना है, उसे 2 सेंटीमीटर बाय 0.5 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटकर उसका कोना क्लिप में लगा दें। मेटल ट्रे के ऊपर इसे पकड़कर इसमें आग लगा दें। अगर यह सफेद धुआं और सफेद अवशेष छोड़ते हुए सफाई से जल जाता है, तो ये इकोग्रेड है। यदि ये काला जलते हुए, पिघलते हुए काला अवशेष टपकाता है, तो ये प्लास्टिक या नॉन वोवन प्लास्टिक पदार्थ है। इस परीक्षण से फील्ड में इकोग्रेड बैग्स और प्लास्टिक या नॉन वोवन प्लास्टिक बैग्स में अंतर आसानी से किया जा सकता है। अगर आपका कोई प्रश्न हो या आप अधिक जानकारी चाहते हो, तो GXT ग्रीन से संपर्क करें, जिनके पास इकोग्रेड बैग्स का पेटेंट और उनके उत्पादन और विक्रय का सर्वाधिकार सुरक्षित है। संपर्क करें इस पते पर। वातावरण को साफ रखने की हमारी इस कोशिश में आपकी रुचि और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।